आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु की आराधना का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। इंदौर में शनिवार को अनेक स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। मल्हारगंज क्षेत्र में ख्यात ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री पाटन वाले गुरुजी के निवास पर बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे और यहां पर पंडित पंकज शर्मा एवं पंडित नीरज शर्मा का आशीर्वाद लिया। यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान पंडित पंकज शर्मा एवं पंडित नीरज शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में गुरु के होने से ही सफलता प्राप्त होती है। गुरु और विष्णु, गुरु और देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरु वे नमः। अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करने भी जाता है तो भगवान भी यही संदेश देती हैं कि तेरा कोई गुरु है या नहीं। अगर तेरा कोई गुरु है तो मेरी पूजा भी फलेगी। इसलिए सर्वप्रथम गुरु और उसके बाद भगवान की पूजा कैसे नहीं फलती है, क्योंकि गुरु भी अपने शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे शिष्य को सद्बुद्धि दो या मेरे शिष्य को लक्ष्मी प्राप्ति हो, जो भी वो चाहे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस तरह से गुरु जी का जो महत्व होता है वो आज के दिन अगर कोई इस तरह से गुरु को मनाता है, गुरु के लिए प्रार्थना करता है या गुरु जी को आशीर्वाद लेने आता है तो उसका आशीर्वाद फलता है और वो पूर्णतया संपन्न होता है। ऐसे में किस प्रकार वैक्सीन लगाए, क्या संदेश जाएगा? जैसा कि हमारे देश के मुख्यमंत्री देश के मुखिया श्री नरेंद्र जी मोदी ने संदेश दिया है, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, तो उसका तो पालन करें ही सही। मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग थोड़ी सी संयम रखें, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। तो ये जो तीसरी लहर कही जा रही है ये कहीं नहीं रहेगी। ये तीसरी लहर हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का जो सम्मान, हमारे देश की जो शक्ति है उसके आगे ये तीसरी लहर कहीं नहीं लगती है। तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ी सी दूरी रखें और इस तीसरी लहर को भी हरा दें। ब्रह्मलीन पाटन वाले गुरुजी की ओर से कोई एक संदेश आप जी दर्शकों के लिए? गुरुजी ने हमेशा शिष्य को अपने मित्र के समान माना है। उनका बोलना था कि हर किसी को अपने आप को बड़ा नहीं बोलना चाहिए, गुरु शिष्य सब समान होते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था कि जितने भी युवा हैं वो सब मेरे साथ बैठे, मेरे साथ रहें, मैं देखता हूं कैसे भगवान आपकी मदद नहीं करते हैं। तो सब मेरा यही संदेश है कि गुरु शिष्य सब समान हैं, आप सब साथ में रहें और अपने देश की तरक्की के लिए मेहनत करें, तरक्की करें, वृद्धि करें। का जो दिन है वो भारत देश में अध्यात्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि गुरु का आज पूजन किया जाता है, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है और गुरु के आशीर्वाद से ही सभी चीज़ें सफल होती है। तो आज गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्योंकि आज चारों वेदों के जो रचयिता है भगवान वेद व्यास वो गुरु थे, उनका आज जन्मदिन है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और ऐसा हमारे देश में ऐसी संस्कृति है कि गुरु का आशीर्वाद लिए बिना जो है कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। भगवान विष्णु और गुरु की जब तुलना की गई तो ऐसा दोहा बनाया गया है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। ऐसी जो मतलब गुरु को जो है भगवान से भी ऊपर माना गया है, गुरु के आशीर्वाद से जो है सारे कार्य पूर्ण होते हैं।